जयपुर जिले के चौमू थाना पुलिस ने डॉक्टर से मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले में डॉक्टर के सिर में गंभीर चोट लगी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चौमू पुलिस ने दो आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य दो तीन आरोपी मौके से फरार हो गए। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि डॉक्टर रवि कुमावत के पिता ओम प्रकाश कुमावत ने चार पांच लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन प्रजापत, हंसराज प्रजापत और बादल प्रजापत पुत्र मदनलाल प्रजापत निवासी केशव नगर होली दरवाजा को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी अन्य फरार लोगों की पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। चौमू सरकारी अस्पताल के पीछे सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रवि कुमावत का घर है, जहां पर गुरुवार देर रात चार पांच लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर के पिता के घर के बाहर बैठे लोगों को शराब पीने से मना किया तो आरोपी डॉक्टर के पिता से गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान डॉक्टर रवि कुमावत मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर रवि कुमावत और उनके पिता ओम प्रकाश घायल हो गए। दोनों का चौमू सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया। फिलहाल पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।